पहुंचते हैं गाय बहुत सारी वीडियो देखते रहेगा, लाइक और शेयर कमेंट कर देना। भागे हेलो हाय करके भागे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज की वीडियो है क्लीनिंग की, जो मॉर्निंग का रूटीन होता है, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएँ। ये देखिए, इसका मैंने गद्दा निकाल लिया है और इस पर रख लिया चेयर। देखती हूँ चेयर में रख के मेरे हाथ ऊपर पहुँच पाते हैं या नहीं, कितना गंदा हो रखा है। और दूसरे रूम का तो कल करूँगी, क्योंकि आज कपड़े भी धोने, अभी मैं नहाई नहीं, यहाँ का पोछा नहीं लगा, बाहर वाले का नहीं लगा, तो बस एक रूम भी क्लीन हो जाए ना तो दूसरे का तो मैं कल कर लूँगी। देखती हूँ ऊपर मेरा हाथ यहाँ से तो पहुँच ही जाएगा, क्योंकि बेड के ऊपर मेरे रखी है ना चेयर। देखती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी मॉर्निंग की क्लीनिंग हो गई थी शुरू इस रूम से, फैन की क्लीनिंग से। वैसे क्लीनिंग मेरी बहुत पहले शुरू हो गई थी, मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई। एक बार पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा लिया था और किचन में और दूसरे वाले रूम में मैंने पोछा भी लगा लिया है, वहाँ के कपड़े वगैरह समेट लिए हैं। बट मुझे ये वाला रूम बहुत बिखरा हुआ लग रहा था और फैन भी मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी क्लीन करने के लिए, तो मैंने सोचा दूसरे रूम में पोछा लग गया है, वहाँ का मैं कभी फिर फैन साफ़ करूँगी। लेकिन इस वाले में अभी पोछा नहीं लगा, तो इसको मैं अभी साफ़ कर लेती हूँ। ये वीडियो है सैटरडे की, यानी कि कल की, और अपलोड करूँगी मैं आज संडे को। तो इसको मैंने फैन में बहुत सारा डस्ट हो रखा था, उसे झाड़ू से झाड़ लिया है। उसके बाद मैंने पीहू से मंगाया गीला कपड़ा, तो इसको गीले कपड़े से मैं पहले साफ़ कर लूँगी, मतलब गीला कपड़ा अच्छी तरह से निचोड़ के फिर उससे मैं इसको साफ़ कर लूँगी। और ये वाइट वाले जो फ़ैन होते हैं ना, ये जल्दी गंदे हो जाते हैं। और जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे उस टाइम भी मैंने फ़ैन के लिए नहीं किए थे, क्योंकि जब हम फ़ैन नहीं चलाते हैं ना तो इतने गंदे नहीं होते हैं, चलाने से ही गंदे होते हैं। तो उस टाइम बहुत हल्का हल्का सा डस्ट दिख रहा था, ज़्यादा गंदे नहीं थे, इसलिए मैंने उस टाइम साफ़ नहीं किया। आजकल काफ़ी गंदे लग रहे थे, तो मैंने सोचा दूसरे वाले रूम का मैं आज करूँगी, यानी कि संडे को। तो आज भी मॉर्निंग में बहुत काम हो जाता है, जब बच्चे और हस्बैंड घर में रहते हैं ना तो ऐसे ही हो जाता है, काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, जल्दी काम ख़त्म ही नहीं होता है। तो इसलिए आजकल ऐसे ही बिजी डे हो रहे हैं, क्योंकि जब ये स्कूल चले जाते हैं, मैं अकेली रहती हूँ, तो फटाफट करके सारे काम निपट जाते हैं। और आजकल जब बच्चे भी घर में हैं तो काम ख़त्म होने के बजाय बढ़ते जाते हैं। तो ये देखिए, मैंने गीले कपड़े से इसको साफ़ किया और कितना साफ दिख रहा है। अब मैं बच्चों से मंगा रही थी सूखा कपड़ा एक इसको पोंछने के लिए, तो पीहू से ही मंगाया मैंने, उससे कुछ मिला नहीं। तो एक पुरानी हैंकी थी, उसने बोला मम्मी इसको दे दो, मैंने कहा चलो इसी को दे दो, कोई बात नहीं, बेकार पड़ी हुई है। तो इस सूखे कपड़े से मैं इसको साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पर मेरे फैन की क्लीनिंग हो गई थी और थोड़ा अंधेरा सा लग रहा था, इसलिए मैंने लाइट ऑन कर रखी है। वीडियो है ये मॉर्निंग की, 9 या 9:30 के टाइम होगा लगभग। तो देखिए यहाँ पे फैन मेरा एकदम क्लीन हो गया है, और साथ ही साथ मैं जो कोनों में ऊपर जाले लगे होते हैं ना, उनको भी निकाल लूँगी। बहुत सारे जाले लग जाते हैं अगर जल्दी जल्दी साफ़ ना करो, उसके बाद फिर दोबारा से झाड़ू लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने फ़ैन साफ़ किया ना तो उसका डस्ट सारा नीचे हो गया है। तो मैंने सोचा आज मैं सफाई कर ही रही हूँ तो इस वाले रूम की मैं डीप क्लीनिंग कर ही लूँ। और जब हम फ़ैन क्लीन करते हैं उसके बाद फ़ैन चलाते हैं तो बहुत तेज़ सा चलता है, ऐसा लगता है बहुत तेज़ चल रहा है, अच्छा सा लगता है। और गाइस, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, मैं जहाँ तक हो सके मैं सबको सपोर्ट करती हूँ। और आप लोग क्या करते हो, आते ही कमेंट ना करें प्लीज़, वीडियो को फुल वॉच करें। और जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं, खाली लिखने से कुछ नहीं होता, लिख देते हैं कि न्यू सब्सक्राइबर, मैंने आपको फ्रेंड बना लिया, ऐसा ना करें। वीडियो फुल वॉच कीजिए, एक दूसरे को फुल सपोर्ट कीजिएगा, तभी जाके आगे बढ़ेंगे। तो ये सैटरडे का दिन भी मेरा ऐसा क्लीनिंग का ही था, छुट्टियों में, मतलब इस बार ना कहीं भी जाना नहीं हो रहा है,
घर में ही हैं, बस साफ़ सफाई डेली का ये रूटीन ही करते रहो, क्योंकि इस बार गांव भी नहीं जा पाए और कहीं भी जाना नहीं हो पा रहा है। देखिए अभी कितना साफ लग रहा है ना, फैन अच्छी तरह से चमक रहा है। अब मुझे दूसरे रूम वाला बहुत गंदा लग रहा है, तो देखती हूँ एक दो दिन में जब भी टाइम मिलेगा उसे भी साफ़ कर लूँगी। मैं भूल जाती हूँ, सुबह इतना नहीं रहता ध्यान, क्योंकि उस टाइम तक लेट तक बच्चे सोए रहते हैं, आजकल स्कूल नहीं है तो मैं पोछा पहले ही लगा लेती हूँ, फिर बोलते हैं मैंने दोबारा सा पोछा लगाना, चलो कल करूँगी। देखिए अभी इतना मैंने कम पे खोल रखा था तो मैंने अभी फुल कर लिया। फ़ैन क्लीन करो उसके बाद फ़ैन ऑन करो ना, तो बहुत ही तेज़ हवा आती है। पीहू रानी कितनी खुश हो रही है। तो चलिए करते हैं अब झाड़ू पोछा, ये वाला काम तो हो गया है। यहाँ पे प्राप्ति पढ़ रही थी, उसकी भी पढ़ाई यहाँ पे डिस्टर्ब हो गई थी, मैंने कहा रुक जा अभी क्लीनिंग करने दे मुझे यहाँ की। तो अब पहले लगाती हूँ झाड़ू, उसके बाद पोछा लगाऊंगी। और इतनी इतनी सारे काम, मैंने 1 बजे के बाद लंच बनाया, बहुत ज़्यादा काम हो गए थे इस सफाई सफाई के। तो बेड को मैंने साइड में कर लिया है खींच के, मैं बीच में ला गई थी उस समय, और झाड़ू लग गया था, अब लगा रही मैं पोछा, और फिर बाहर वाले रूम में लगाऊंगी। बाहर में तो बहुत ज़्यादा मतलब जूते चप्पल इकट्ठे हो रखे थे, इतना सारा जो मतलब आलतू फालतू सामान सब बच्चों ने ऐसे कर रखा था, तो मैं उसे सूज रैक पे सही ढंग से सूज वगैरह रखी, उसके बाद वहाँ पे सफाई की, फिर कपड़े धोए, लास्ट में जाके मैं नहाई, और 1 बजे के बाद मैंने फिर लंच बनाया। ऐसे ही होता है जब बच्चे भी घर में रहते हैं ना, कई बार मैं तो कभी कई भी दो दो तीन तीन बार पोछा लगाता हूँ, जहाँ पे मुझे गंदा दिखता है ना यहाँ पे गंदा है, फिर मैं दोबारा से ले आती हूँ पोछा, कई बार झाड़ू लगाना पड़ता है, किसी दिन नहीं होता है गंदा, किसी दिन कई बार हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे पता नहीं क्या क्या फैला रखा था इन्होंने आलतू फालतू सामान, तो मैं इसको, ये पाइप है जब बाहर छत की धुलाई करते हैं ना, तो यहाँ पे लगाया हुआ सारे सूज यहाँ पे इकट्ठे हो रखे, तो मैंने सूज रैग में रख लिए। और यहाँ पे अच्छे से मैं झाड़ू लगा लूँगी, फिर लगाऊँगी यहाँ पे पोछा, फिर वॉश बेसन साफ करना है, तब जाके ये सिलेंडर खाली हो गया, तो इसको मैं यहाँ पे रख लूँगी साइड में। और पूरे घर में झाड़ू पोछा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में बर्तन धोने के लिए, जो मॉर्निंग के थे ब्रेकफास्ट के, तो बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो रखे थे, तो मैं सारे बर्तन धो दूँगी। ये सब्जी वाली छोटी टोकरी है ना, मैं इसी में रख रही हूँ, क्योंकि जो बर्तनों का बड़ा वाला टोकरा है वो मैंने नीचे रखा है रैक में। तो यहाँ पे सारे बर्तन मैं साफ़ कर लूँगी, उसके बाद गैस स्लेब साफ़ करूँगी। तो वो काम मेरा फाइनली हो गया था किचन का। उसके बाद मैं नहाई, नहाने के बाद मैंने कपड़े धुल लिए हैं, बाथरूम की भी सफाई हो गई है, बस लास्ट काम मेरा यही था कपड़े धोने का। उसके बाद फिर टाइम काफ़ी हो गया था, खाना बनाने का टाइम हो गया था, तो ये देखिए कितने सारे कपड़े हो जाते हैं, और कुछ कपड़े बाद में हुए, और जो डोर मेट हैं एक दो मैंने वो भी वॉश किए हैं। तो चलती हूँ कपड़े फैलाने के लिए, उससे पहले मैं यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।